हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस, आज मतलब हम आ गए थे परसों, तो मैंने कल व्लॉगिंग नहीं करी थी। आज है 23rd of November, तो दीदी के घर पे भी शादी है और यहाँ पे भी शादी है। तो अभी दीदी आएंगी रानी बाग, क्योंकि हम दोनों को कराने हैं नेल एक्सटेंशन। और फिर उसके बाद दीदी ने अपनी जो आउटफिट है वो यहाँ पे मतलब रोहिणी में स्टिचिंग के लिए डाल रखी है, क्योंकि वहाँ पे कोई एज एन दीदी को पता नहीं है टेलर के बारे में। तो यहाँ से मन्नी की और दीदी की दोनों की आउटफिट लेने आएंगी दीदी, फिटिंग चेक करेंगी फिर। हाँ बस, तो अभी यश लेने गए हैं गाड़ी और मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं रानी बाग। गाइस, मैं आ गई मार्केट में और दीदी नेल एक्सटेंशन वाली शॉप पे है, तो मैं वही जा रही हूँ। गाइस, ये वो शॉप जहाँ से हम कराते हैं। दीदी करा रही है नेल्स। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे बैठा है मनी। अब मनी जाएगा अपने मामू के घर। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तो मैं जाने के लिए जाऊंगा पापा के घर। गाइस, मेरे हो गए और दीदी का बस फिनिशिंग रहती है अभी होनी। हमने मन्नी के फ्रेंच फ्राइज ले लिए क्योंकि मन्नी को लग रही थी भूख। और अभी हम निकल गए हैं दीदी की वो जो मैंने बताया था आपको आउटफिट के लिए, उसको ट्राई करके देखेंगे, वो है रोहिणी। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं अब रानी बाग से। चलो बाहर से दिखाएंगे आपको। और मन्नी यहाँ पे फैल क्लिप्स देख के सुंदर सुंदर लगे हुए। देखो कितनी चुन्ना लग रहे हो आप। उनके भी एक में ऐसे चला गया, क्योंकि ऐसे सेटिंग करके निकालते फिर तो कपड़ा आपने एक बारी चल के देखो, अगर कंफर्टेबली चल रहे हो तो टाइट मत करो। बिल्कुल सही है। गाइस, आज है देव उठनी ग्यास और यहाँ पे मम्मी ने ये डेकोरेट कर रखा है और यहाँ पे देव सुला रखे हैं और टाइल पे लगा रखी है, इस वजह से सारा बह के नीचे आया हुआ है। बाकी चार्ट पे बनाना था पर चार्ट आ ही नहीं पाया, ना मुझे याद रही मैं वहाँ से ले आती, और सुबह भी याद नहीं रहा चार्ट मंगवाना। मैं बाहर थी इस चक्कर में, फिर मम्मी ने ही बनाया, क्योंकि 6:45 इनको मतलब ऐसे सुला देते हैं, फिर उसके बाद अब टाइम हो रहा है और अब इनको उठाएंगे। मम्मी एक बार बात करिए फ़ोन पर, फिर उसके बाद। उठा दिए हम ना वो उठा दिए हमने दे और अब हम ले रहे हैं कैमरा का आनंद, देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। गाइस, नीचे है ना संत महाराज जी बैठे हैं, मतलब सारे ये लोग। मम्मी इनको मतलब पैसे दे रही थी तो इन्होंने पैसे नहीं लिए, और खाने पीने का भी बोले कि बस एक ही दो कप चाय ले आओ मम्मी को। तो अभी मम्मी चाय लेके जा रही है नीचे और वो बैठ के भजन कर रहे हैं, बोले पैरों में छाले हो रहे हैं। ना तो किसी का ये लोग लेते हैं ना खाते हैं, बस सबको भजन सुनाते हैं। सभी बेटा संत नहीं होते हैं, सभी भक्त नहीं होते हैं बेटा। तीन दिन हो गया बेटा, सभी से जरूरत नहीं बेटा कि सती सती से काम है नहीं सोम से काम, अनेक परवाना भेजिए बेटा, मेरे भोलेनाथ आपके पूरे होंगे काम हो जाए। और अच्छे कार्यों सबके हाथों में होते हैं, दिक्कत क्या है बाबा को एक ढोलक एक चिंता की जरूरत है। हाँ बेटा, और देखिए बेटा ये संघर्ष से ध्यान ध्यान हो जी,
क्या पता कौन से बंदर मेरे नारायण जी कर देंगे। अरे ढोलक काम नहीं आती है, एक ये जीवन में काम आएगी बेटा, जीवन में मरने के बाद किसी काम नहीं आएगी। अरे एक बेटा पशु है, उसका पूरा शरीर हिल जाता है, अब खाल के बस भी उसकी ढोलक नहीं आती। इंसान का तो कुछ नहीं काम आता है बेटा, आगे की रास्ता बनी होती है बेटा, जो ये सोचता है जो पढ़ाई है, कुछ अगर सत्कर्म कर लिए तो आगे थोड़ा बहुत, वही तो मैंने बेटा आगे की रास्ता बनी होती है, साफ होती है रास्ता। ये नहीं सकता है कि सारे प्राणी भटक रहा है जीवन में अनुकूल, और बेटा नहीं मतलब कि भगवान इंसान बनाकर यहाँ भेजा कि बेटा अच्छे कर्म करना जाके धरती में गिरते जिनों के, वो खुद भगवान हो जाता है, वो खुद भगवान हो जाता है। और आप संसार को भी तो देख रहे हो, संसार किस तरीके चल रहा है। मेरे भाई बहन आए हुए हैं, मतलब मेरे मामा के लड़का लड़की और निशी को, इसको तो आपको वैसे भी पता ही होगा, ये तो ब्लॉग्स में दिखती रहती है। निशी दिखा अपनी शक्ल, हेलो बोल ये तो वैसे भी दिखती रहती है आपको। तो निशी ने कुछ ड्रेसेस लिए हैं मेरे से, क्योंकि इसके मामा के, मामा की शादी है, जो इसका रियल मामा है उसकी शादी है, तो उसके लिए कुछ ड्रेसेस लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसके पास एथनिक होते नहीं है इतना, मतलब इसके पास एथनिक का कलेक्शन नहीं है, और तो इसने मेरे से लिए हैं। बहनों में तो ऐसा चलता ही रहता है, प्लस कुछ साथ में इयररिंग्स लिए हैं इसके साथ मैचिंग, जो 3-4 सेंट ड्रेसेस लिए। फिर मैं और मम्मी जा रहे हैं कतर मार्केट, और इस पिंपल का निशान अभी तक गया नहीं है, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी कतर मार्केट। मेरी एक आउटफिट थी तो उसके ऊपर मेरे को कुछ लटकन और चुन्नी वगैरह कुछ देखनी है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। मैंने ऑटो बुक कर दिया, ऑटो आ गया है और अब जा रहे हैं हम। इस मैं आ गई कतर मार्केट, और शायद अंकल ने पीछे की तरफ से उतार दिया, तो अभी बस जा रहे हैं आगे। गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे, और आए हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, बट मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, देन आफ्टर आई रियलाइज कि मैंने एंड नहीं किया, और ऐसी बहुत सारे व्लॉग्स मेरे जाते हैं जिसमें मैं एंड नहीं करती हूँ, बट मेरे को नेक्स्ट डे जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, जब मुझे याद आता है कि यार इसका एंड नहीं करा, तो मैं जस्ट अभी कर रही थी। और हम गए थे कतर मार्केट, तो वहाँ से सिर्फ मैंने अपनी जो है लेस ली थी अपनी आउटफिट के लिए, और लटकन ली थी, मन था कि चुन्नी भी ले लूँ, बट मम्मी साइड की अच्छी लग रही है चुन्नी, और वहाँ पे इतना कुछ खास चुन्नी का वो भी नहीं था, तो इस वजह से बस वहाँ से एक घंटे में शायद हम लोग निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं गई बुटीक, और बुटीक में जाके मैंने जो भी मैं अपना सामान लेके आई थी मैंने सारा वहाँ पे दिया, डिज़ाइन बताया, और फिर घर पे आ गए। घर पे आके खाना वाना खाया, और अब कल से जो है डेली व्लॉग्स आएंगे, और कल से यहाँ पे शादी है 27 को, तो मम्मी की फ्रेंड है, मतलब मासी लगती हैं, तो उनकी बेटी की शादी है, और कल उसकी मेहंदी है, तो उसका भी नाम मोनिका है और मेरा भी नाम मोनिका है, तो कल उसकी मेहंदी है, और तो कल हम वहाँ जाएंगे, और प्लान था हल्दी में भी जाने का, बट कुछ काम आ गया था इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए, तो कल जाएंगे मेहंदी में, प्लस सुबह मेरे को जाना मार्केट। एक तो है ना मेरे मार्केट के चक्कर खत्म नहीं होते, जिस टाइम पे दीदी यहाँ पे थी ना उस टाइम में मेरे को आउटफिट समझ में नहीं आ रही थी, और उसके बाद मैं चली गई मोहित के एग्जाम के लिए, फिर वहां से 2-3 दिन बाद आई, और अब 3-4 दिन से लगातार ही, मतलब कभी ये लेना है कभी वो लेना है, बुटीक के चक्कर कट रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हाँ बुटीक के चक्कर कट रहे हैं, और सामान मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेरे भाई की शादी आ गई, एक दिन बाद ही शादी 29-30 की मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए पैकिंग, प्लस यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, और मेकअप के लिए मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मेरे को मेकअप की, यार मैं किससे कराऊँ। दीदी थी, दीदी अगर यहाँ पे होती तो मेरे को एक मिनट के लिए भी सोचने की जो है
जरूरत नहीं पड़ती। और अब मैं सोच रही हूँ मैं दीदी के पास ही चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे यार मेरे को पता ही नहीं है कौन अच्छा मेकअप करता है, और एक दो सैलून में पूछा है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। 27 को सैलून में कराती हूँ या फिर दीदी के पास कराती हूँ। कल का ये प्लान है कि कल मैं सुबह जाऊंगी मार्केट, मेरे को कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके आनी है, और शाम को जाना है फिर हमें मेहंदी पे। तो कल का ये प्लान है, और आज का करते हैं हम व्लॉग एंड। बाकी ये 2-3 दिन का व्लॉग था जो कि मैंने सब में मर्ज करके डाल दिया है, तो बस अब से आएंगे डेली व्लॉग्स और डेली डेली मैं अपलोड कर दिया करूंगी। तो गाइस करते हैं इस व्लॉग का एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, बाय।